नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। आज सीएम बघेल जाएंगे तमिलनाडु दौरे पर। तमिलनाडु में कई कार्यक्रम में होंगे शामिल, आज सभा में भी शिरकत करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जिसकी शुरुआत हो चुकी है आज से, और फिर इसी के तहत इसमें शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और आज सभा में भी शिरकत करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो बड़ी और अहम जानकारी, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। आज सीएम बघेल जाएंगे तमिलनाडु दौरे पर। तमिलनाडु में कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे और इसके साथ ही आम सभा में भी शिरकत करेंगे। अगली बड़ी जानकारी बिलासपुर से। बिलासपुर में बड़ी जानकारी बताते चले जहां निलंबित आईपीएस के प्रमोशन का मामला सामने आया। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता के प्रमोशन पर विवाद, राज्य शासन ने अपील दायर की थी। प्रमोशन को निरस्त करने के आदेश दिए थे। मुकेश गुप्ता ने शासन के फैसले को दी थी चुनौती। तो बड़ी और अहम जानकारी बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां आपको बताते चले कि निलंबित आईपीएस के प्रमोशन का मामला, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता के प्रमोशन पर विवाद, राज्य शासन ने अपील दायर की थी। प्रमोशन को निरस्त करने के आदेश दिए थे। मुकेश गुप्ता ने शासन के फैसले को दी थी चुनौती। चलिए बढ़ते हैं आगे। मोहन भागवत इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और आपको बता दें कि कुल 3 दिनों के प्रवास पर मोहन भागवत छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। 2023 चुनाव के पहले मोहन भागवत के इस दौरे को लेकर अलग ही मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने भी आमंत्रित किया है कि वो आए और छत्तीसगढ़ की योजनाओं को देखें। आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर लगातार चर्चाएं हैं। मोहन भागवत 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे संघ की महत्वपूर्ण और बड़ी बैठकें लेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोहन भागवत के आगमन का स्वागत करते हुए कहा, ये अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़िया व्यंजन मोहन भागवत को परोसे जाएंगे। ये छत्तीसगढ़िया संस्कृति की जीत है। इसी के साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि वह छत्तीसगढ़िया संस्कृति को आत्मसात भी करें। लगे हाथ सीएम बघेल कौशल्या माता के दर्शन और छत्तीसगढ़ में बनाए गए गोठान का भी निरीक्षण करने का निमंत्रण भी दे दिया। भगवत जी आ रहे हैं, बीजेपी के नेता आ रहे हैं, आरएसएस के लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और मुझे जानकारी मिल रही है कि छत्तीसगढ़िया पकवान चीला फरा चौसेला परसा जाएगा, तो अच्छी बात है। ये तो छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़िया संस्कृति की जीत है और मैं उम्मीद करता हूँ और चाहता हूँ कि वो छत्तीसगढ़िया संस्कृति को आत्मसात भी करे। मुख्यमंत्री के निमंत्रण के बाद भाजपा का बयान भी सामने आया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में बात करने का अधिकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को तो बिल्कुल भी नहीं है। छत्तीसगढ़ को पूरे देश में पहचान दिलाने का काम तो बीजेपी ने किया है। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के बात करने का अधिकार भूपेश बघेल जी को तो बिल्कुल नहीं है। वास्तव में छत्तीसगढ़ को देश में अलग पहचान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। छत्तीसगढ़ सरकार और उसकी योजना का क्रियान्वयन कि जब बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको दिखाने के लिए सरकार आतुर रहती है कि उनके गौठान को देखें, मंदिर को देखें, संस्कृति को देखें, लेकिन जब बार बार छत्तीसगढ़ के विधानसभा में छत्तीसगढ़ के विधायकों के द्वारा जब आवाज उठाई जाती है कि हम गौठान देखना चाहते हैं, राम वनगमन पथ की बात करते हैं उसको देखना चाहते हैं और यहाँ जो आपके कार्य चल रहे हैं उसको देखना चाहते हैं, सरकार के कार्यकाल का केवल 13 महीना बचा हुआ है लेकिन 13 महीना भी ये सरकार दिखाने की स्थिति में नहीं है। कुल मिलाकर अब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। हालांकि विपक्ष आरएसएस संघ को खुद से बिल्कुल अलग बताता है, लेकिन 2023 चुनाव के पहले मोहन भागवत के इस दौरे के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं।
फिलहाल देखने वाली बात होगी कि मोहन भागवत के इस दौरे पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या उथल पुथल होती है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।